देखिए आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज का अपना नया टॉपिक। तो आज हम सीखेंगे कि बीजी के अंदर किस तरीके से मास्टर कॉन्फ़िगरेशन को हैंडल किया जाता है। आज एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आज हम सीखेंगे मास्टर कॉन्फ़िगरेशन, जिसमें सबसे पहला टॉपिक हमारा आता है अकाउंट। क्या आता है? अकाउंट। सर अकाउंट्स क्या होता है या अकाउंट्स का बेनिफिट क्या होता है? आप लोग सभी जानते हैं कि अकाउंट्स का जो बेसिकली मोड होता है बनाना, हम क्या यूज़ करते हैं पार्टी बनाने के लिए, हम किसका यूज़ करते हैं? अकाउंट का यूज़ करते हैं। तो अगर हमें कोई पार्टी बनानी है तो हमें कहाँ आना होता है? मास्टर के अंदर, अकाउंट हो यहाँ से। एक तरीका और भी होता है, हम किसी के यहाँ पहली बार सॉफ्टवेयर लगा रहे हैं उसका काफ़ी 500 पार्टी है 600 पार्टी है, तो हम लोग बार बार सेल के अंदर बना नहीं सकते, हम लोग यहाँ पर आके ही क्रिएट करते हैं ताकि उसको ज़्यादा क्रिएट ना करना पड़े। तो मैंने यहाँ पर देखो एक नाम डाल दिया, मैंने डाल दिया AR सेल्स कॉरपोरेशन। क्लियर। और ग्रुप में डाल दिया मैंने क्या, सैलरी क्रिएटर या डेप्टर जो मुझे डालना है उसके बाद मैंने इसको डाल के यहाँ पर सेव कर। और अगर और कोई नया ग्रुप बनाना तो हम यहाँ से बना सकते हैं, जैसे रोहित एंटर फिर आईडी डेप्टर्स होगा तो डेप्टर। अब फर्स्ट टाइम इसको काम करेंगे तो इस टॉपिक को अनेबल करने की ज़रूरत आपको नहीं है। बाकी कोई ट्रांसपोर्ट हो तो ट्रांसपोर्ट भी आप लोग यहाँ से कर सकते हैं, स्टेशन और ये सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पर कर सकते हैं। शो के लिए डाल सकते हैं, ठीक है। क्लियर है? दिल्ली, फिर टेलीफोन नंबर, जो भी आपका टेलीफोन नंबर होगा वो डाल देंगे, ईमेल आईडी, कांटेक्ट नंबर, जितनी इन्फॉर्मेशन होगी आप लोग यहाँ से कर दो, याद रखना। और फिर हमें अगर कोई अकाउंट मॉडिफाई करना है तो उसके लिए मॉडिफाई पे आएंगे, और लिस्ट देखनी है तो उसके लिए लिस्ट पे आ जाएंगे। कहाँ पर आ जाएंगे? लिस्ट पे आ जाएंगे। क्या जाएंगे? लिस्ट पे आ जाएंगे, ठीक है। अगर आपको लिस्ट देखनी है पार्टी की तो आप लोग कहाँ जाएंगे? लिस्ट में आप आएंगे, लिस्ट के अंदर एक होता है स्क्रीन, एक होता है प्रिंटर। अगर आप स्क्रीन करेंगे तो तीन फॉर्मेट आते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्मेट, दूसरा कन्फिगरेबल फॉर्मेट, तीसरा कन्फिगरेबल फॉर्मेट, लेकिन दूसरा वाला। अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्मेट की बात करें और ऑल अकाउंट करें तो उसके अंदर हमारे सारे अकाउंट आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? हमारे सारे अकाउंट होंगे जितना भी हमने बना चुके हैं। हाँ, लेकिन हमने कहा नहीं सर सारे अकाउंट नहीं, स्पेसिफाई दो तीन अकाउंट देखेंगे, जैसे संडे डेप्टर या क्रिएटर हमको देखना है, तो हम लोग क्या लेंगे? ग्रुप ऑफ अकाउंट। क्या ले लेंगे? ग्रुप ऑफ अकाउंट। क्या डाल देंगे सैलरी डेप्टर्स या क्रिएटर, तो हमारे पर्टिकुलर वही ग्रुप आएंगे। क्लियर है? बहुत से लोग कहते हैं मुझसे सर हमें लिस्ट ऐसी दो कि हम जब पार्टी की लिस्ट निकालें तो यहाँ पर पार्टी का नेम, पार्टी का अलायंस नेम, पार्टी का ग्रुप, पार्टी का ओपनिंग बैलेंस, पार्टी का मोबाइल नंबर, पार्टी का ईमेल आईडी, पार्टी का टेलीफोन नंबर, मतलब ये सारी चीज़ें हमें चाहिए और मुझे इसको एक्सेल फाइल पे ले जाना है। तो कैसे करें? हम लोग कस्टम कॉलम बनाए क्या? कस्टम कॉलम से भी एक अच्छा तरीका, क्या तरीका है? वो है कॉन्फ़िगरेशन कॉन्फ़िगरेबल अल्फाबेटिक। आप इसके अंदर आइए, ऑल अकाउंट या स्पेसिफाई अकाउंट भी आप लोग बोल सकते हो। आपने क्या डाल दें यहाँ पर? डेप्टर। तो डेप्टर्स आगे क्या आ गया? एलियाज नेम आ रहा है इसमें, फिर आपका ग्रुप नेम आ रहा है, एंड देन ओपनिंग बैलेंस। अब मुझे क्या चाहिए? मुझे पार्टी का एड्रेस चाहिए, तो एड्रेस के लिए हम लोग कहाँ जाएंगे? ऐड न्यू अकाउंट या फिर ऐड फील्ड। तो हम यहाँ क्या ले लेंगे? ऐड फील्ड। तो हमें क्या चाहिए पहले? एड्रेस लाइन वन, तो मैं इसको ड्रैग डाउन करके इधर ले आऊँगा। जैसे मुझे प्रीवियस बैलेंस नहीं चाहिए तो मैं इसको यहाँ से हटा दूँगा। ओपनिंग बैलेंस या एलियाज नेम चाहिए तो मैं इसको यहाँ से हटा दूँगा। क्लियर है? और इसको सेव करूंगा तो आप देखेंगे पार्टी का एड्रेस की वन लाइन आ गई। और यहाँ पर देखो, हाँ, कन्फिगरेबल और फॉर्मेट में आएंगे, ऑल अकाउंट या ग्रुप ऑफ अकाउंट, एंड देन जो भी आपको चाहिए आप यहाँ से कर सकते हैं। देखो एड्रेस लाइन वन आ गई। उसके बाद ऐड फील्ड पे जाके अगर आपको ऑल चाहिए, एड्रेस टू चाहिए तो आप इस पर क्लिक कीजिए, एड्रेस थ्री चाहिए इस पर क्लिक कीजिए, एड्रेस फोर चाहिए इस पर क्लिक कीजिए। हाँ, उसके बाद टेलीफोन चाहिए, टेलीफोन भी ले सकते हैं, फैक्स चाहिए, फैक्स नंबर भी ले सकते हैं, ईमेल आईडी, कांटेक्ट पर्सन, पार्टी आईडी, पैन कार्ड नंबर, सीएसटी नंबर, ठीक है, ओपीटी फील्ड नंबर, मतलब जितनी आपको चाहिए वो यहाँ से ले सकते हैं। क्लियर? और इसको यहाँ पर आप सेव करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके पास ये सारी आ गई। उसके बाद इसी चीज़ को आपको एक्सेल पर ले जाना है, तो आपके पास क्या मिलेगा? एक्सपोर्ट पर क्लिक करेंगे तो हम एक्सेल पिक करके और कहाँ पहुँचा देंगे इसको? एक्सेल। तो देखिए ये हमारा विद इन मिनट में काम हो गया, माई रिपोर्ट फटाफट क्या हो गई? जनरेट भी, ठीक है। अभी एक्सेल फाइल तो खुली नहीं है क्योंकि खुलते वक्त हमें देखना चाहिए था कि लोकेशन क्या थी। लोकेशन जो फाइल बन रही है आपकी वो बन रही है
कहाँ पर? डी ड्राइव के अंदर कंपनी नंबर। याद रखें जब भी कोई आप एक्सपोर्ट करोगे तो फाइल पहले सेफ होती है जहाँ आपकी कंपनी बनी होती है, ठीक है। तो मैंने इसी को लोकेशन को कॉपी करा, उसको यहाँ पर कंट्रोल वी करके पेस्ट कर दिया, ठीक है। देखो ये खुल गई, क्लियर है। अभी देखिए आपकी रिपोर्ट बन गई। बस थोड़ा सा स्टाइलिश कर दीजिए, अगर आप लोग एक्सेल के बारे में जानते हैं तो आप स्टाइलिश कर देंगे, थोड़ा यूनिक दिखेगा, ठीक है। इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं, क्लियर है। आपकी रिपोर्ट बन जाए। आपको याद रखना, जब आपको कुछ इस तरीके की रिपोर्ट चाहिए और आप पार्टियों का लेजर चाहिए तो आप लोग इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। अब हाँ, लेजर में ऐसा नहीं है, जैसे कभी कभी दिवाली का फेस्टिवल आ जाता है, लोग कहते हैं मुझे रिपोर्ट निकाल के दिखा, ठीक है, तो हम लोग इस तरीके से निकाल। दूसरा, कभी कभी जब हमसे कोई रिपोर्ट मांगता है ना, तो उसमें चाहता है कि पार्टी का ओपनिंग बैलेंस ना आए, क्या है पार्टी का ओपनिंग बैलेंस ना आए, तो लेकिन जब ओल्ड पी करके हम प्रिंट आउट निकालते हैं तो पार्टी का ना उसके अंदर ओपनिंग बैलेंस नहीं आता है, ठीक है। अभी तो नहीं आ रहा है ना, कभी कभी अगर आप ओपनिंग बैलेंस चाहिए ना तो आपको फ्रॉम एजल्ट ग्रेन से निकालना पड़ेगा, ओपनिंग बैलेंस तब चाहिए होगा तब निकालना, क्लियर है। फ्रॉम अदरवाइज किस निकालेंगे, फ्रॉम बिजनेस निकालेंगे। तो समझ गए आपको बेसिकली किसका यूज़ करना है, टॉपिक समझ में आ गया, अकाउंट्स का क्या मतलब है, अकाउंट को किस तरीके से हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो आज आपने देखा कि आप बीजी के अंदर किस तरीके से अकाउंट बनाएंगे, कैसे आप रिपोर्टों को डेवलप कर सकते हैं अपने हिसाब से, और दो चार नई चीज़ें आज हमने सीखी, जो आज का हमारा नया टॉपिक था मास्टर के अंदर अकाउंट।